हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक हब डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेम के लिए, जो कि सारे ब्रांच के लिए ही सिमिलर था। और हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि क्या कौन सा टॉपिक आपको एक दूसरे से अलग पढ़ना है। तो अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, फिर मेरे साथ आगे जुड़ जाइए। दोस्त, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि हमें इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमें अप्लाइड मैथ जानने के लिए इंटीग्रेशन ज़रूरी है, और इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसमें से हम लोग डिफरेंशिएशन के आपको बहुत सारे फार्मूला लिखा दिए हुए थे, और बोला गया था कि इन फार्मूला को हम लोग को क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है। अपेक्षा करते हैं आप लोग देख के आए होइएगा, इससे पहले भी आप लोग याद किए होइएगा तो ऑलमोस्ट सारे फार्मूला मेमोराइज होगा। आज हम लोग उस पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसका उपयोग हमें लगभग इंटीग्रेशन में जिस तरह का हमें डिफरेंशिएशन का यूज आएगा थोड़ी बहुत, तो उसका उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो आज हम लोग इसमें प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उस पर बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे डिफरेंशिएशन का, और इस लेक्चर के बाद हम इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, इंटीग्रेशन समझने के लिए, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा वो स्टार्टिंग ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्त, तो आज ये बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स पे। आज हम लोग कहेंगे क्वेश्चन खेलेंगे, आओ क्वेश्चन खेले। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन खेलने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन खेलने जा रहे हैं किस पे, प्रीवियस ईयर का फार्मूला, प्रीवियस जो लेक्चर का फार्मूला है उस पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 99 अपॉन डी एक्स, आपसे कहा जाए कि 99 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो आपको याद होगा कि यह एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो उसको देख लीजिए, और हम आपसे ये बात कहेंगे कि आप अगर चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको याद कर लीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है। और उसके बिना अगर आप उसको सोचते हैं, हम लोग में क्या होता है आदत होती है कि सोचते हैं कि दूर लिखते लिखते याद हो जाएगा, या प्रॉब्लम में करते करते याद हो जाएगा, लेकिन दोस्त ऐसे बहुत टाइम लग जाते हैं। उससे बढ़िया एक बार याद कर लीजिए और फिर कहिए कि लिखते लिखते और ट्राई करते करते रिवाइज हो जाएगा, ना कि हम मतलब एक बार आपको उसको बैठ के याद कर लीजिए, है ना, ज़रूरी है। ऐसे ही सब बोलते हैं, सबका कहना होता है कि समझना, अरे मैं समझने के साथ साथ भी याद करना था। दो तरह तरीके होते हैं पढ़ाई करने के, एक तो बिना समझे आपको कुछ पता नहीं रट्टा मारिए, और एक होता है कि समझने के बाद भी याद करना पड़ता है दोस्त, है ना। तो वो आपको याद उसको कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ये आगे भी कायम रहेगा। देखिए कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन दोस्त क्या होता है, ज़ीरो, तो इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नॉर्मली दूसरे क्वेश्चन की, कि अगर मान लीजिए हम आपको दे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स टू द पावर माइनस नाइन का, ठीक है, अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। एक वाई बराबर जैसे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन एक्स के टू द पावर नाइन, ऐसे आपको पता करने के लिए कहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन कर देंगे, और ये हो जाएगा डी एक्स के पावर माइनस नाइन अपॉन डी एक्स। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्त, तो आपको याद होगा कि एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर पीछे, पावर में से एक घटा लेना है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ध्यान में ये बात रखिएगा, ध्यान से ये बात और भी सुन लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा बात। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, ये तो आप फार्मूला से कर लीजिएगा, जैसे इस प्रॉब्लम को करने के बाद हम लोग बात कर लें। माइनस नाइन एक्स के पावर एक पावर में से एक क्या करना, घटा देना है, तो माइनस नाइन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स के पावर माइनस टेन। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग पावर पीछे, पावर में से घटाएंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर माइनस टेन। ठीक है दोस्त, एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि आप ध्यान ये दीजिएगा कि जिसका फंक्शन रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो फार्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट लगा लेंगे। अगर मान लीजिए फंक्शन किसी और का है और ये दे दिया y बराबर, मान लीजिए ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट t समथिंग, एंड हम कहेंगे d
y बटा डी एक्स हमको पता करना है, तो ये डी टी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। दोस्त ये तब जो है ना, ये जो ये टी, ये नया चीज़ देख लीजिए, हमें दिया है y t का फंक्शन है हमको, जबकि डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो ये जो t होगा वो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना, कैसा ट्रीट किया जाएगा, कॉन्स्टेंट की तरह, बिकॉज ये जो फंक्शन है, जिसका फंक्शन है उसी के फंक्शन के रूप में रहेगा, तो वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, नहीं तो हम उसको कैसे लेके चलेंगे, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट की तरह अगर इसको ट्रीट करेंगे तो इसका हो जाएगा जीरो, लेकिन वाई बराबर ए दे देंगे, तो ए इज अ हेयर इज अ कॉन्स्टेंट, अगर डी वाई बटा डी एक्स निकाले तो यहाँ पे वाई एक्स का फंक्शन रहता तो हम काम करते, लेकिन यहाँ क्या है, ए जो है वो कॉन्स्टेंट की तरह, ये हम लोग पढ़े भी बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन कर भी रखे, बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन आप पहले भी पढ़ रखे हो, बट आपको ये चीज़ सोचना है कि इसका अगर फंक्शन ये रहेगा, एक्स का अगर फंक्शन रहता तो हम उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करके चलते, लेकिन वाई और अगर ए दिया है तो ये जो एक, ये एक तो वेरिएबल की तरह लगता है, लेकिन यहाँ पे वाई बराबर ए जो दिया है, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करने जाए ए, तो ये कॉन्स्टेंट की तरह होगा, और ये कॉन्स्टेंट होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये रहा बात यहाँ तक, ये एक नोटेबल पॉइंट है जो कि हमको यहाँ पे, ये सब चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं, और जिनको आ रहे हैं वो लोग घबराए नहीं, वो अकबकाए नहीं कि हमको ये सब आ रहा है क्या है वाट एवर, थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि थोड़ा सा उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जिनकी थोड़ी वीक है, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया, तो ये दो प्रॉब्लम दो फॉर्मूला पे हम लोग कर लिए, इस तरीके से कोई भी आएगा तो हम लोग कर लेंगे नॉर्मली। फिर आगे नेक्स्ट बात करें हम लोग तीसरा प्रॉब्लम डी वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। दोस्त इसमें भी कुछ नहीं करना, इस पावर को ऊपर लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर पुराने जैसे किए थे, पावर पीछे पावर में से घटा लेना है, यानी माइनस टू एक्स, एक घटाएंगे तो क्या जाएगा टू में से एक घटाएंगे माइनस थ्री। और दोस्त इसी बाई आंसर को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, माइनस टू बाई पावर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स पावर थ्री, तो ऐसे भी इसी बात को लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, चौथा डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगर आपको दे दिया जाए रूट एक्स, ठीक है दोस्त डी एक्स, तो क्या होता है दोस्त, रूट एक्स का हम लोग तो फॉर्मूला ही पढ़े थे, वन बाई टू रूट एक्स, ये आप याद करके रख लीजिएगा। अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन ऑफ, मान लीजिए आपको ऐसे दे दे क्यूबिक रूट ऑफ एक्स डी एक्स, दोस्त क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये है कि अगर क्यूबिक रूट ऑफ एक्स रहेगा तो दोस्त क्या कर, सबसे पहले इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा सुधार करके लिख लेंगे डी एक्स के पावर, इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो क्यूब है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वन बाई थ्री, है ना, और रूट रहता था एक बटा दो, वन बाई टू लिख सकते थे इसको, और ये हो जाएगा वन बाई थ्री। दोस्त यहाँ पे इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर पीछे पावर में से घटा लेंगे, यानी वन बाई थ्री माइनस वन, दिस बिकम्स वन बाई थ्री एंड एक्स के पावर, ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री। दोस्त अगर इसी बात को अगर हम और भी अच्छे ढंग से लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं वन बाई थ्री, वन बाई थ्री और एक्स के पावर नीचे में आएगा तो एक्स के पावर टू बाई थ्री। दोस्त इसको और भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, सो देखिए वन बाई थ्री, देखिए वन बाई थ्री को ऐसे लिख सकते, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए तो थ्री, देखिए ये थ्री, ये थ्री इसके बाहर में है, ये बनेगा क्यूबिक रूट ऑफ, क्योंकि आप इसको लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो भाई एक्स स्क्वायर है, पावर को वन बाई क्यूबिक रूट को लिख सकते हो वन बाई थ्री, आपको पता है कि ए के पावर एम, ए के एक्स के पावर ए रहे और एम रहे तो ए के एक्स के पावर एम हो जाता है, गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स के पावर टू बाई थ्री हो जाएगा। दोस्तों बात वही, तो अगर ऐसे है तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी हो सके तो आंसर को यहाँ तक भी आपको सॉल्व कर करके, ये यहाँ ये सबसे लास्ट सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है और हम एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, जहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस लेक्चर के बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू कर लेंगे। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e के पावर x। दोस्त इसमें हमें दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि e के पावर x e के पावर x हो जा रहा था,
लेकिन यही क्वेश्चन हमको देता है डिफरेंशिएशन ऑफ, पहला दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर 2x प्लस 4 या 2x प्लस 2 वाट एवर दिस। दोस्त इसमें यूज करते हैं हम लोग चेन रूल, और आपको क्या करना है, हम लोग अब लिख के नहीं बनाने जाएंगे, हम पिछले लेक्चर में ही बोल दिए। हम लोग कैसे करेंगे, e के पावर x का e के पावर x होता है, हम e के पावर x का e के पावर x कर देंगे एंड 2x प्लस 4, ठीक है दोस्त। अलग से गुना में लिखेंगे, ठीक है, अब जो आएगा, अब अलग से e जो है ये इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, जैसे हम लोग यहाँ होता है 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन dx, ठीक है। अब देखिए e के पावर 2x प्लस 4 और इसका तो इसको अलग अलग कर लेंगे, ये ऐसे ये डी टू एक्स बटा डी एक्स, एक प्रॉपर्टीज कल लिखाए थे कि अगर प्लस में माइनस में रहे तो हम अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा डी फोर बटा डी एक्स, अलग अलग कर लीजिएगा। अब देखिए एक रूल और होता है कि डी सी एक्स बटा डी एक्स रहेगा और कॉन्स्टेंट के साथ को मिलता है, इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग डी एक्स बटा डी एक्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं, इन कॉन्स्टेंट को बाहर करके उसका डिफ्रेंसिएशन करें। तो देखिए यहाँ दो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे डी एक्स बटा डी एक्स, ये कट के वन हो जाएगा और कॉन्स्टेंट है ये, इसका क्या हो जाएगा जीरो, यानी ये वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 यानी 2। तो अभी अब हम लोग तो ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस में आ जाओगे वैसे वैसे आपको लगने लगेगा। देखिए कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा अलग अलग करेंगे तो, अरे 2 बाहर हो जाएगा, dx dx 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ से आप देखोगे ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो तो अपना मन से ही जल्दी से डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं भली भांति अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे प्रीवियस, पहले ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अभी अगर नहीं किया तो अभी सुधार लीजिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 2e के पावर 2x प्लस 4, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसमें और इसमें अंदर क्या है, देखो इसमें भी वैसा ही आया हुआ है फॉर्मूला, पहले तो हम e के पावर x का e के पावर x कर लिए और फिर x का किए ना, तो dx बटा dx हो गया, ये 1 हो गया, तो जिसके कारण यहाँ पे तो हमको e x ही मिल जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि इसका डिफरेंशिएशन भी किया गया है, है ना। ठीक, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, आज किसी थ्योरी की बात नहीं, क्योंकि थ्योरी हम लोग लगभग सारे फॉर्मूला नोट कर लिए हुए हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, e टू द पावर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं करना दोस्त, फिर से वही बात रहेगी, आप लोग बनाओ फटाफट e के पावर इतना, तो e के पावर 2x प्लस 7 और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का 0, इसका माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्त बात करते हैं log x की, log x का आपको बता रखे हैं कि होता है 1 बाय x। दोस्त अगर 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 यहाँ पे e बेस होता है तो e एक्सपोनेंशियल होता है जिसका वन 2.7 के करीब होता है, e रहता तो, अगर ये a रहता तो याद है आपको हम फॉर्मूला में लिखा दिए थे कि आपको यहाँ पे a e हो जाता है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन रेयरली मिलेंगे, हो सके यहाँ पे बेस आपको जैसे मान लीजिए 2x टू log 2x दे दिए, तो आपको यहाँ पे 1 बाई एक्स करना है और log 2e हो जाएगा, है ना, तो 2e हो जाएगा, ये ऐसे आंसर लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो हम लेके चलते हैं कि बेस क्या होगा e होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 बाई एक्स लिखेंगे। लेकिन दोस्त ऐसे ही में क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दे दिया log डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x प्लस, या ऐसे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है दोस्त, अपॉन dx। तो दोस्त करना क्या है, हमको क्या होता है ये log के अंदर में x की तरह है ये पूरा, है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स, तो हम इसको कहते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब दोस्त इसका जो है ये इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा आगे हम बताएंगे आपको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके क्या कर दो,
मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए अलग अलग लगाएंगे, जैसे ऐसे करेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अपॉन डी एक्स, अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी सेवन अपॉन डी एक्स। दोस्त एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा पावर, पीछे पावर से घटाएंगे तो पावर टू, पीछे टू में से घटाएंगे एक्स से पावर घटाएंगे तो एक बच जाएगा टू एक्स, और सेवन का क्या हो जाएगा जीरो, यानी टू एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टू एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट का जीरो और एक एक्स स्क्वायर का टू एक्स। दोस्त यहाँ से हो जाएगा ये टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे रहेगा तो ठीक है फॉर्मूला पे, अगर इसमें कुछ चेंज रहेगा तो हम उसका पहले डिफरेंस उसका फॉर्मूला पे लगा लेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है बस दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हम लोग यहाँ इन द डेप्थ नहीं जा रहे हैं, हम लोग उतना ही पढ़ने जा रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है इंटीग्रेशन में। सो आप लोग भी ज़्यादा टेंशन आज नहीं हो कि हमको डिफरेंशिएशन भी फिर से पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएशन उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ जितनी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जितना से आप एकदम स्मूथली इंटीग्रेशन को सीख सको। इसके बाद दोस्त हम बात करेंगे हम लोग यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, डिफरेंशिएशन ऑफ टू के पावर एक्स। ठीक है दोस्त, अब बताओ दोस्त आपको पढ़ा रखे हैं ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ई ए, ये फॉर्मूला होता है। आप देखो यहाँ इसका क्या हो जाएगा आंसर, अभी देखिए ए के जगह पे जो कांस्टेंट की जगह पे टू है, यहाँ पे ए के पावर एक्स का मतलब ये जो ए रहता था ये कांस्टेंट होता है ना, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सवाल मिलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स माने टू के पावर एक्स का टू के पावर एक्स, लॉग ई का ई और ए के बदले कितना है टू है तो हो जाएगा टू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज डेट दोस्त इसी में इस क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ टू एक्स प्लस सेवन लाइक दैट, ऐसे दे दिया आपको डी एक्स। तो कुछ नहीं करना दोस्त, वही वाला जो फॉर्मूला हम लगाते हैं लगाएंगे टू के पावर एक्स प्लस सेवन इन टू, अब गुना करेंगे इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो सेवन का जीरो और एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक्स डी एक्स बट्टा डी एक्स अब प्लस डी सेवन बट्टा डी एक्स अलग अलग करेंगे तो ये आएगा इसका वन हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा, तो यानी वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, तो फाइनली ये वन हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस सेवन। दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, टू के पावर एक्स प्लस सेवन। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग इसको भी डिस्कस कर लिए, यह सब देखने के बाद अब आ जाइए थर्ड ट्रिगोनोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना है, और जिनको नहीं नोट करना है आराम से मज़े में देखो, और मान लो जिनको बहुत बढ़िया से आ भी रहा है उनको नहीं लग रहा है तो अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट ना कीजिए, आराम से नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आने वाली है, मतलब रेगुलरली हम लोग लेक्चर लेते हैं, रेगुलरली हम आपके लिए लेक्चर लेते आएंगे। दोस्त अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का क्वेश्चन है, तो हम में से कोई भी है जो इसको एकदम सिंपल भी आता है उस जानता है फॉर्मूला है कॉस एक्स हो जाएगा। नॉर्मली दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ देखिए हम सारी वैरायटी लिख दे रहे हैं साइन 2x ऐसे दे देंगे, तो दोस्त करना कुछ नहीं है फॉर्मूला वही लगा लेना है, ये हो जाएगा cos 2x। अब फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये जो डिफरेंस इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी टू एक्स बटा डी एक्स है तो 2 बाहर करेंगे डी एक्स बटा डी एक्स कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 2x। लेकिन अब जो अब हम लोग काम करेंगे तो ऐसे नहीं करने जाएंगे, अब हम कहेंगे क्या देखिए sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2, इतनी हमारी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, तो यहाँ से हम ये कर लेंगे। हमें ये डिफरेंशिएशन अपना मन से ही करके अब सॉल्व करके पूरा दिखाना नहीं है, हमें अपने काम के लिए करना है ना, इसका यूज आएगा, इस पर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे डिफरेंशिएशन के, इसका यूज आएगा इंटीग्रेशन में। अच्छा दोस्त अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x प्लस सेवन, फिर भी आप कुछ नहीं करना, आप तो आप सीख गए हो कि कुछ करना नहीं है, फार्मूला लगा देना है फिर उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हो जाएगा cos 2x प्लस सेवन इन टू इसका डिफरेंशिएशन, सेवन का जीरो हो जाएगा 2x का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 2 cos
2x + 7। दोस्तों आराम से, हाँ ध्यान में रखिएगा कि मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं उस चीज़ को मैं हम हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ पे बाबू, कि होता क्या है एक्चुअल में कि आप सोचते हो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे ना कर दें कि कॉस, ये नहीं करना है, ध्यान सुनो, ये जो अभी कर रहे हैं वो नहीं करना है, सीख लो, कॉस 2x + 7 × 2, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x + 14, आंसर लिख देगा। दोस्त ये गलत है, ये एंगल है, आप इस एंगल में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये पूरा एक टर्म है, इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और ना कि एंगल में करना है, तो आप गलत कर लीजिएगा, इसीलिए इसको आप बाहर से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, इस इधर तो कभी लिखिएगा नहीं, अगर लिखा हुआ है इसको इस साइड ले आइएगा ताकि ये ना लगे कि एंगल में मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंगल में मल्टीप्लाई रहेगा तो अलग से ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पूरा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, है ना, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये 2 बाहर रहेगा, एंगल में मत कर दीजिएगा, ये गलती आपसे हो सकती है, दैट्स द चांस, सो इस तरह के एरर ना कीजिएगा। अच्छा दोस्त यहाँ तक ये बात तो ठीक है, ये अभी देखिए 1, 2, 3 वैरायटी हम लोग देख लिए कि ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, तो करना वही है। अब दोस्त फिर इसमें और भी क्या वैरायटी आ सकती है, सो देखिए अब इसमें वैरायटी क्या आ सकती है, तीन वैरायटी देख लिया आप, 1, 2, 3 तीन वैरायटी, अब देखिए चौथा वैरायटी क्या है, फोर्थ वैरायटी देखिए, फोर्थ, तो फोर्थ वैरायटी क्या कहता है, सो देखिए चौथा वैरायटी में हम लोग क्या लाए हैं, साइन, अब देखिए सब अलग अलग क्वेश्चन है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, दोस्त कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब पहले अब लीनियर था, अब स्क्वायर में आ गया, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, अब फिर क्या करेंगे दोस्त, पूरे टर्म में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, पावर पीछे पावर में से घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अलग से ये आप जान रहे हो करना, अलग से आप जान रहे हो इसका करना, क्या हो जाएगा दोस्त, ये पावर पीछे 2 पावर में से घटा लेंगे 2x, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x, अब इसको मत कर देना 2x³, पहले अभी हम जस्ट बात किए ये पूरे में मल्टीप्लाई होना था 2x कॉस एक्स स्क्वायर, इस एंगल में आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, वो गलत तरीका हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इसी में देखो दोस्त अगर ऐसा रहे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दोस्त देखो सभी बातों को बड़ी डिफरेंट तरीके से आपको लेना है, ये साइन स्क्वायर एक्स दोस्त, तो अभी आपको क्या सोचना है कि देखिए अभी हम आपको याद करना है वो चीज़ें, कौन चीज़ें, ये कि एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अभी यहाँ एक्स के बदले साइन है, देखिए तो साइन का स्क्वायर है ना दोस्त, यहाँ एक चीज़ और भी सीख लो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों सेम चीज़ें होती है, जबकि साइन एक्स का स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, बट सेम नहीं होता है साइन एक्स स्क्वायर का, ये ध्यान में रखिएगा ये चीज़, कभी कभी हम लोग सॉरी यहाँ पे तो हम ये मिस्टेक कर दिए, साइन का एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये बराबर नहीं होता साइन एक्स स्क्वायर का, ये दोनों तो सेम चीज़ें हैं बट ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कभी कभी ऐसे चीज़ों में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि हमें नहीं होना है, ठीक है, ये बात भी आप चाहो तो अलग से नोट कर लेना। तो दोस्त अभी देखो ये जो है ये एक्स की तरह साइन है, तो अभी क्या हम देखिए, अब ऐसा हम मान के चलिए अगर ये x है तो पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पावर पीछे पावर में से घटा लेना, तो देखिए 2 पीछे और साइन के पावर में से 2 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक बच जाएगा, एक लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। अब क्या करेंगे, जब ये वाला काम हो गया तो ये जो बच गया क्या बच गया, साइन एक्स बच गया, क्योंकि एक्स वाला तो काम कर लिए, अब यहाँ पे क्या बचा, ये साइन एक्स बचा, पावर वाला काम हो चुका है, अब क्या बचा, ये साइन एक्स, अब इसका काम करना, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, अब इसका बच गया, ठीक है, पावर वाला काम कर लिए, पावर पीछे पावर से घटा लिए, तो बचा कौन होगा, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। दोस्त ये एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2 एक्स का फॉर्मूला होता है,
तो ये आंसर यहाँ से आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते थे, अगर यहाँ छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये कैटेगरी आप देखिए, ये वैरायटी देखिए, ये वैरायटी देखिए क्वेश्चन का। मीडियज कर दे रहे हैं आप लोग, इसको चाहो तो नोट डाउन कर लेना ये पॉज करके। नेक्स्ट वैरायटी हम लोग लेके आए हैं कि इसी में मान लीजिए ऐसा रहे डी साइन रूट अंडर एक्स प्लस सेवन लाइक डैट, थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। अभी करना क्या होगा हमें एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करना है। हमें क्या करना है सो देख लीजिए, हमें सोचना है कि साइन या साइन का एक्स है तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या कहेंगे कॉस रूट ओवर एक्स प्लस सेवन। ठीक है दोस्त, अब आ जाइए एंगल वाले में। एंगल में आप देखिए, एंगल में नया चीज़ है क्या है रूट में। तो आप याद कीजिए कि रूट में कोई भी चीज़ रहता है तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, रूट में जब कोई भी चीज़ रहता है तो क्या फार्मूला लगाते हैं वन बाई टू रूट एक्स। तो अभी मान लीजिए पूरा एक्स की तरह है, पहले हम बात किए साइन की, जब हमें साइन दिखा तो साइन एक्स की सबसे पहले स्टार्टिंग करी, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया एक्स के बदले ये, तो ये हो गया। अब आए रूट पे, तो रूट पे जैसे ही हम आए तो हमें रूट का फॉर्मूला पता था कि इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो वन बाई टू रूट एक्स होगा, तो वन बाई टू रूट एक्स के बदले हो जाएगा एक्स प्लस सेवन। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे रूट के अंदर में। अगर रूट के अंदर में केवल एक्स रहता तो इसका वन हो जाता, लेकिन अगर ये एक्स प्लस सेवन है तो इसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई फिर करेंगे, तो रूट के अंदर वाला डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, इसका एक्स प्लस सेवन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि वन हो जाएगा, क्यों अलग अलग करेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी सेवन अपॉन डी एक्स। दोस्त ये देखिए ये वन और ये जीरो क्या हो जाएगा वन। दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब अंत में और ये हो जाएगा वन। फाइनली हम इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉस रूट ओवर एक्स प्लस सेवन अपॉन टू रूट एक्स प्लस सेवन। बस ये हो जाएगा है ना यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से इस तरह का जब डिफरेंशिएशन मिलेगा तो बस तरीका वही रखेंगे, सारा जो फॉर्मूला है उसी पे काम होता है, बस स्टेप बाय स्टेप। ये पहले साइन एक्स हमको दिखा तो पहले साइन का फॉर्मूला लगा दिए तो कॉस एक्स हो गया। अच्छा अब रूट में दिखा इसका, फिर इसका एंगल का डिफरेंशिएशन करके गुना करते तो एंगल में रूट में दिखा तो रूट वाला जो फॉर्मूला होता था वो लगा दिए। अब फिर रूट के अंदर में अगर सीधे एक्स रहता तो वन हो ही जाता, लेकिन अगर यहाँ पर रूट के अंदर में कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन करके फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी को बोलते हैं चेन रूल। लेकिन चेन रूल में हम लोग अगर लिख लिख के करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वो तब करते जब थ्योरेटिकली हम पढ़ना चाहते हैं तब, लेकिन यहाँ हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही काम फास्ट करेंगे, अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ऐसे ही। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब जितने भी हैं सारे में अब ऐसे ही करेंगे नॉर्मली। अब कॉस के साथ भी इसी तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं जो कि आप कर सकते हो ऐसे, लाइक दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स टू एक्स या फाइव एक्स समथिंग लाइक दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस फाइव एक्स प्लस सेवन डी एक्स। ठीक है, चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पाँचवा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स लाइक दिस डी एक्स। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं और अलग अलग प्रकार के। इसके बाद अगला छठा वैरायटी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर 7x like that upon dx। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल जाता है। आप चाहो तो ये सबको सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट अपेक्षा करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि हम लोग वन बाई वन सारे देखते जा रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन करके सॉल्व फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही टेन के साथ सेक के साथ इसी तरीके से प्रॉब्लम आपको अलग अलग मिल सकते हैं। तो
आपको हार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना बताया है उसी तरीके से सिर्फ काम करते जाना है। और आइए कुछ हम लोग इन्वर्स पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइक डैट। मान लीजिए साइन, चलिए टैन को ले लेते हैं, या साइन जो भी है, वाट एवर, टैन इन्वर्स एक्स। तो दोस्त इसमें हम लोगों से किसी को दर्द नहीं हुआ, सब कहेगा देखिए फार्मूला होता है 1/1 + x²। ठीक है। अच्छा, अगर हमें कोई कह दे कि आप ऐसा नहीं निकालिए, आप टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस सेवन या सेवन एक्स प्लस फाइव इसका निकालिए, तो हम कहेंगे देखिए आपको अभी भी हमारा कोई दर्द नहीं होगा। काला दर्द होगा, फार्मूला हमको पता है, पहले टेन इनवर्स है तो पहले टेन इनवर्स का फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, अभी एक्स के जगह पर इतना है तो टेन का फार्मूला क्या, तो 1/1 + 7x + 5 का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों को दर्द नहीं होगा, इतना तक तो ठीक था, अब इतने पर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गड़बड़। तो इसके लिए क्या चाहिए था, फिर से हम जानते हैं कि ई जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन करके क्या करना होता है, गुना करना होता है। जैसे यहाँ भी वही हाल हुआ है कि टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x², और फिर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, इसीलिए यही रह गया है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए कि इसका हो जाएगा उसी तरीके से लिख लिए, x की जगह पर भी इतना था तो x की जगह इतना था तो क्या 1/1 + इतना का होल स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पे छोड़ देंगे, इसका तो डिफरेंशिएशन वही नहीं होता है, इसका तो अलग से आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 7x का हो जाएगा 7, 5 का हो जाएगा 0, 7x का क्या हो जाएगा 7 पीछे, और दोस्त हमको कभी कभी डाउट होते रहता कि कहीं आपको पता ना चल रहा हो, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा के लिए ये 7 बाहर हो जाता है, dx dx कट कौन, तो हो जाएगा 7 × 1 + 5 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 7 + 0। जिन लोगों को पता चल रहा है अच्छी बात है, बहुत मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि आप लोग पहले ही से बहुत चीज़ सीख रखे हो, या फिर आपको मालूम है, ये हमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये हुआ, इसका क्या हो जाएगा 7 का हो जाएगा 7, और इसका हो जाएगा क्या 0, तो यानी 7, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7/1 + 7x + 5 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं हमें होना चाहिए। अब इस तरह से हमें कितना भी हार्ड दे देगा, हम एकदम फ्रेंकली इसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, वो बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कई बार है, उसमें हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा लेंदी। अब आपको इसी तरीके से कोई भी देगा, आप फॉर्मूला अप्लाई करो, आराम से काम करते चले जाएंगे हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आगे, तो दोस्त बात करते हैं, जैसे आपको अगर हम दे दें यहाँ कि आप क्या कीजिए, y बराबर आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, साइन इनवर्स रूट अंडर टेन एक्स रूट अंडर x² + 5 लाइक डैट। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन बना के आपको दे दे रहा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन अगर मिल जाए इस तरीके का, तो ऐसे में अप्रोच क्या लेना चाहिए दोस्त, तो कुछ भी नहीं करना है नॉर्मली, करना क्या है हमको कहेगा फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx दोस्त। ऐसे अगर अप्रोच कुछ क्वेश्चन अगर इस तरह के मिल जाए इस फॉर्मेट के, तो क्या करेंगे dy/dx बराबर हम कहेंगे अच्छा x हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत और हो जाएगा, एक्स टेन के एक्स के जगह पर x² + 5 थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहाँ हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे और ये और लेंदी हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट टूल हम लोग अभी यहाँ नहीं पढ़े, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ हो जाएगा ये x² + 5 दोस्त। अब क्या करना है हम लोगों को, अपॉन dx हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट से, राइट वाले से स्टार्ट करेंगे, यह आपका साइन है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का होता है आपका 1/ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, 1/√1 − x². तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे 1/√1 − x² 1 − x² का मतलब इतना है ये x, ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये खाली बच जाएगा क्या 10√x² + 5।
ठीक है। अच्छा दोस्त, ये साइन एक्स का काम हो गया, अब आते हैं रूट पे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, एंगल पे आएंगे। तो एंगल का क्या होता है इसका, देखिए रूट में, तो रूट का क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई टू और रूट एक्स के बदले इतना है, तो वो लिख देंगे वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आ जाएंगे रूट के अंदर, रूट के अंदर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा टेन एक्स, टेन एक्स, ठीक है, यानी रूट अंडर इतना ही, अभी एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, व्यवहार दे रहा है। तो इस टेन एक्स का क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के बदले इतना है, तो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। दोस्त अभी भी हम लोग को संतुष्टि नहीं मिले, अब क्यों, क्योंकि अभी एक्स के जगह पर जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त बताओ, रूट एक्स का क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। दोस्त इसके बाद अगर हमें फिर से इसकी इसके अंदर फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि ये रूट का काम हो गया, तब रूट के अंदर का काम होगा, एक्स स्क्वायर फाइव का, तो अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और फाइव का जीरो, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस जीरो यानी टू एक्स। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख देंगे, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टू से तो ये टू कट जाएगा, बाकी आपका और कहीं कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, ऊपर वाला टर्म को ऊपर लिख लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन, यहाँ से अब ये हो जाएगा आपका x को सबसे शुरू में लिख लेते हैं, x रूट अंडर वन माइनस टेन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अच्छा टू को भी आप पहले लिख देते हैं, यानी टू एक्स कर देते हैं, रूट ओवर टेन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब इस तरीके से हम इसको अरेंज करके नोट डाउन कर दे सकते हैं, बट इस तरह की डिफरेंशिएशन की ज़रूरत आपको इंटीग्रेशन में शायद ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इतना तक करने आ गया तो फिर आपको आपसे डिफरेंशिएशन में आपको कोई दर्द इंटीग्रेशन में नहीं होने वाला, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो, ठीक है दोस्त। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इससे आगे थोड़ा सा और भी, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आज डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट हो गया, हम लोग अब इंटीग्रेशन पे लॉन्च कर जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा दोस्त कि हम लोग यू इंटू वी पे चलते हैं, मान लीजिए जोड़ घट, पहले तो जोड़ घटाव से चलते हैं आराम से पूरा कंप्लीट ही कर, अब यहाँ के बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हम देते हैं वाई बराबर वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर माइनस सेवन प्लस लाइक डैट वन बाई रूट अंडर एक्स, दोस्त ऐसे दे दिया, बीच में माइनस लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे दे दे कहेंगे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको ऐसे निकालने के लिए कह दिया जाए कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने को जाएंगे। आपको पढ़ा रखें जब जोड़ या प्लस या माइनस में रहता है तो अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे हम क्या कर लेंगे, अलग अलग लगा लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे, सब में अलग अलग लगा लेंगे, डी टू एक्स बट्टा डी एक्स, पहले तो ऐसे करेंगे कि दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स जो रूल होता है वैसे लगाएंगे और सारा को पेगा सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। बट अब हम लोग इतना समझदार होंगे कि अब डायरेक्ट डायरेक्ट करते चले, कुछ लोग कहेगा कि कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर हम पहले से समझदार थे, भाई ठीक अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आपने वो समझदारी पहले से, लेकिन जिनको नहीं आई थी वो लोग अपना देख ले, और आगे से जब हम पूछेंगे तो ये समझदारी रहनी चाहिए। माइनस डी अपॉन रूट एक्स अपॉन डी एक्स, उस अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर दिए, ब्रेकअप करवा दिए सबका, ठीक है दोस्त। यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को बाहर करेंगे तो टू बाहर हो जाएगा, डी एक्स डी एक्स वन यानी टू इंटू वन हो जाएगा। अच्छा वन बाई एक्स दोस्त ऊपर में पावर ले जाएंगे, लेकिन आप याद रख लो कि दोस्त वन बाई एक्स का क्या होता है, एक फार्मूला के तौर पर ही आप याद रखना चाहते तो रख लो, लेकिन फार्मूला नहीं होता, ये फर्स्ट फार्मूला से ही आता है, देखो ये होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, जितना रहेगा माइनस में, जितना पावर रहेगा वो माइनस में करके और नीचे में एक पावर बढ़ा के लिख देना है। जैसे अगर मान लीजिए इसका आता कैसे, सो देखिए एक्स के पावर माइनस वन कर देते हम,
अपॉन डी एक्स, और ये क्या होता है, देखिए आप पावर पीछे, पावर में से एक घटाएंगे तो माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पावर प्लस में आ जाएगा यहाँ से। अब उसी तरीके से मान लीजिए वन बाई एक्स स्क्वायर है तो दोस्त क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं डी एक्स के पावर माइनस टू अपॉन डी एक्स, तो क्या किए पावर पीछे, अब पावर में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या एक्स के पावर माइनस थ्री, ये नीचे आएगा तो ये माइनस टू बाई एक्स के पावर थ्री। तो वही बात हम बोले क्या कि जितना यहाँ पर रहेगा ना उसको पावर, उस पावर को माइनस में लिख लेंगे, उससे एक अधिक पावर बढ़ा के नीचे में लिख लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस वन बाई जितना इसका पावर माइनस वन बाई जितना पावर उसमें से एक बढ़ा के लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई एक्स के पावर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा यही। और इसका क्या होगा दोस्त, इसका तो हो जाएगा पावर पीछे पावर से घटाएगा तो माइनस सेवन बाई एक्स के पावर माइनस एट। इसको भी अगर चाहो तो प्लस में करना चाहो तो नीचे में एक्स बाई एट लिख देंगे, एक्स पावर एट लिख देंगे, और ये हो जाएगा माइनस वन रूट एक्स क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स दोस्त। तो फाइनली ये हमारा सिंप्लीफाइड, इसको अगर अरेंज करके थोड़ा सा लिख दो, टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स टू डी पावर फोर माइनस सेवन बाई एक्स के पावर एट और माइनस वन बाई टू रूट एक्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर प्लस माइनस में रहे तो आप अलग अलग करके कर सकते हो, जो जैसे आपको अकेले अकेले हम सब सिखा दिए हैं पूरा का पूरा, बहुत एक सारा प्रॉब्लम करवा दिया सिंगल सिंगल। अब कंबाइन में रहेगा तो हमको रूल पता है कि अलग करके अकेले अकेले का करके जोड़ देना है या घटाओ, घटाओ रहेगा तो घटाओ में लिख देना है। अब आ जाइए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आ जाइए, इसको नोट डाउन करके मल्टीप्लीकेशन में आ जाइए। नहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत लग रहा है तो नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप नोट डाउन करो ही नहीं। काम का लग रहा है जैसे कि काम का क्या मतलब, आपको लग रहा है कि हमें काम चला क्योंकि इसकी यूजफुलनेस सिर्फ हमें यूज करने के लेके हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो हमें इस पर ज़्यादा ये नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ रही तो आप कोई दिक्कत नहीं छोड़ भी सकते हैं। हम बात कर ले आगे इससे दोस्त कि हम लोग को यू इंटू वी पे, मान लीजिए आप कोई फंक्शन ऐसा दे दिया e के पावर x इंटू टेन एक्स, ठीक है दोस्त। अब देखिए दो अलग अलग फंक्शन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में गुना में है, तो आपको u इंटू वी वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, u इंटू वी डी एक्स सबको अच्छे से पता होगा, डी यू बट ए को छोड़े u को छोड़े डी वी बटा डी एक्स और v को छोड़े डी यू बटा डी एक्स, तो ये हमारा प्रायोरिटी होगा, एक को छोड़ना है एक को डिफ्रेंशिएशन करना, ये फॉर्मूला में पता है। तो चलिए एक को छोड़िए, e के पावर x को छोड़ेंगे तो डी टेन एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, अब प्लस टेन एक्स को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। जब कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आपको मिल जाए तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, टेन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा प्लस टेन एक्स, अच्छा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर एक्स दोनों में कॉमन है तो इसको थोड़ा कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सुंदर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई रहेगा तो उस दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में तो एक को छोड़ेंगे एक का डिफरेंशिएशन, और अकेले अकेले हम करना जानते हैं, अकेले अकेले डिफरेंशिएशन करना हमें पता है, तो कुछ नहीं करना है, एक को छोड़ देना है वैसा ही, दूसरे में डिफरेंशिएशन लगा देना है, एक को छोड़ देना दूसरे में डिफरेंशिएशन लगा देना है, और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे कोई दो मल्टीप्लीकेशन में मिल जाए तब। अच्छा अब डिवीजन में रहेगा तो क्या करेंगे, नॉर्मली यही चीज़ अगर डिवाइड में रहे ऐसा ही क्वेश्चन कुछ डिवाइड में रहे तो क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन डी ई टू द वी बाई एक्स अपॉन टेन एक्स क्या करेंगे इस तरीके से कोई डिवीजन में रहे तो दोस्त क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना हमें पता है कि ऑलरेडी नीचे वाले को छोड़ना रहता है, इसमें आप किसी इसमें तो आप किसी को पहले या किसी को बाद में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ज़्यादा फर्क कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको नीचे वाला को पहले छोड़ना है और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ देना है और नीचे जो है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करना है और नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा दोस्त। अब बाकी ऊपर में आप ई के पावर सबका डिफरेंशिएशन जानते हो, अभी हम लोग सीख रखे हैं, तो टेन एक्स का टेन एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स और टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में टेन एक्स का होल स्क्वायर। दोस्त अब यहाँ से इसको अगर हम लिखना चाहें
तो क्या लिख सकते हैं, इसको e के पावर x कॉमन ले लेंगे तो e के पावर x बच जाएगा tan x माइनस sec स्क्वायर x बट्टा में tan x का होल स्क्वायर, या इसी बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि tan, अभी बताए हैं tan x स्क्वायर x, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो ऑल द हम लोगों को इस तरह के ही डिफरेंशिएशन ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे और हमें कहीं भी इस ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर इतना अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इंटीग्रेशन के लिए यह सफिशियंट है, कहीं आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो हम आपके साथ हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप चिंता न करें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा हम आपके साथ हैं। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8825161664 161664। आप अपने एग्जामिनेशन लेके ज़्यादा अकबकाए नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में ढेर सारे कोर्सेज भी आ गए हुए हैं, तो अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे का हम देखे हैं कि ये आउटपुट ले रहे हैं कि सर ऐसा वैसा कि ले लिए लेकिन सर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो देखो ज़्यादा अकबकाने की ज़रूरत नहीं एग्जामिनेशन के लेके। आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए इस बीच में, है ना, धैर्य कि मतलब जिस जब आपको प्लेटफॉर्म सब लगे एकदम स्टेबल जैसा लगने लगा है तो परचेज कीजिए, नहीं तो अभी तक जो हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो मिल रहा है उसका लुत्फ़ उठाइए। अकबकाने की ज़रूरत नहीं है, है ना, अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा मैच्योर है, थोड़ा माइंडसेट के साथ, तो काम थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बस एगो आया वीडियो खरीदिए खरीद परचेज कर लिए बाद में पछता रहे कि कंप्लीट नहीं किया तो ये, या क्वालिटी नहीं है, फलना नहीं चिलना, ये सब चीज़ें मतलब होने लगती हैं। तो आप अकबकाए नहीं, अपनी मैच्योरिटी दिखाए, ठीक है 10 दिन लेट, जब तक कि हम क्या करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 दिन 12 दिन 10 दिन ये सब थोड़ा लेट परचेज करेंगे, अब जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मिल रहा है उस सब को देखेंगे अभी तब तक, तो अकबकाइए मत, नहीं तो फिर आपको डबल ट्रिपल पैसा लगाना पड़ जा सकता है, जिसके इसमें आप ये आपके लिए मतलब डिसएडवांटेज है आपके लिए। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको किससे सबसे रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको समझ में कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपके उसके लिए सोल्यूशन के लिए आपके हमेशा तैयार है, हम आपके साथ है, बस सिर्फ आप पढ़ने के लेके डेडिकेटेड रहिए और थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इस सब पे ध्यान दीजिए अच्छे से, मतलब आप मेहनत करो हम आपके साथ हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिस इज़ माय नंबर 8825161664, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, है ना, हम आपके साथ हैं। तो आप अभी हम लोग ये डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट को यहीं पे एंड अप करेंगे, आप लोग चाहो तो कुछ प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में वहाँ ये नहीं होने वाला, अगर आप कर सकते हो आपके पास टाइम है तो ज़्यादा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिटिल बिट प्रॉब्लम करके और जो हम आज आपको पढ़ाया है उस सबको पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा फॉर्मूला याद करके रखो। अब अगले बार हम लोग आते हैं और धमाल मचाते हैं, कहाँ, इंटीग्रेशन पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना, थैंक्स।